Welcome to each and every one of you, and hai uh, aapka to Steven Sir makes it easy. Before I get started with the new topic for today, for the uh, HSC uh, level, a very quick reminder: uh, you can always get connected with us through our, our, our Facebook page, our Instagram ID, and our Twitter account. We have a telegram channel also, which is right above me uh, that channel is uh, the telegram channel is uh, used so that the PDF version of the questions which are uh, discussed are always uh, available so that you can download them and you can keep them for future reference. The, the textbook which is being used which is the normal government textbook if you do intend to purchase it for a next academic session. Okay, if you are an older batch, it's a different thing. If you are a new batch, then it's my request you can always use the link which has been given for the purchase purposes in the description below. Okay, so here goes with a new topic. What's the name of a new topic? Analysis of financial statements. Now, financial statement ka kya hota hai? Okay, this is one chapter jo aapka. अकाउंटिंग ज्ञान नॉलेज थोड़ा बढ़ा देता है नॉर्मली तो होता ही है बट ये चैप्टर में थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है रीजन दिस इज कंप्लीटली कंपनी बेस्ड नाउ बिफोर वी डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वॉट वॉट कम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली टू थिंग्स फाइनल अकाउंट्स से बट सर फाइनल अकाउंट्स में तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बैलेंस शीट होता है हाँ बट कंपनी लेवल पे जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग अलग नहीं बनाती ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टूगेदर बनता है इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू स्टेटमेंट ओके इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अलग से बनता है ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो बिफोर वी डू एनी एनालिसिस First, we have to understand how do we prepare financial statements? Can I normally prepare a normal balance sheet? A normal trading profit and loss account? No. Step one is for you when you reach the level of a company, is to talk in the wordings or the terminology bhasha of a company. Obviously, okay. Agar, rastepe. अगर आप चलते हो तो रास्ते की भाषा चलती है हम्म बट अगर थोड़ा लेवल बढ़ गया बड़े कोई फाइव स्टार होटल में ओके बड़े कोई स्काई स्काईस्क्रेपर में रहने लगे तो भाषा बदल जाती है ना वो सोसाइटी का भाषा आप यूज करते हो सिमिलरली हियर ओके वॉट इज दिस लैंग्वेज ऑफ अ कंपनी ओके नॉर्मली यू नो

ज्यादा लंबा रामायण में खींचता नहीं हूं इन एवरी बिजनेस पहले लाइबिलिटी आता है दूसरा एसेट नाउ आज मैं ये बड़े विस्तार में आराम से इन अ डिटेल्ड मैनर आई विल एक्सप्लेन टू यू ओके इतना भी डिटेल नहीं बट दैट मच बाय विच यू अंडरस्टैंड दैट हाँ हाँ सर इसकी वजह से लाइबिलिटी पहले आता है और एसेट बाद में नाउ व्हाट आर लाइबिलिटीज कैपिटल लोन टेकन, टेकर व कार फर्नीचर मशीनरी एट अ कंपनी लेवल लाइबिलिटी एसेट्स भाषा है ये यूज नहीं होता लाइबिलिटीज को कहा जाता है सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसे कहा से आए फंड्स, एसेट्स को कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड पैसे कहां कहां पे खर्चे हुए बिफोर आई गो एनालिसिस उसके लिए समय है। इंट्रोड्यूसिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ बैलेंस शीट नॉट द बैलेंस शीट दैट यू हैव लर्न लेट मी चेंज दिस एंड इन मोर डिटेल एक्सप्लेन टू यू सो अगेन

ये जो लेफ्ट राइट -right होता है ये तो आप बोलोगे सर पिछले दो साल से तो मैं ऐसा ही बैलेंस शीट पढ़ रहा हूं देर आर मेनी लाइबिलिटीज विच हैव लर्न देर आर मेनी एसेट्स विच आई हैव लर्न सो आर यू गोइंग टू टीच न्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज नो इंडिया में बहुत लोग बहुत स्त्री लेडीज ओके साड़ी पहनते हैं बट क्या वो साड़ी सेम तरीके में ड्रेप करते हैं तरीका पहनने का नहीं ओके अ पर्सन फ्रॉम राजस्थान अ पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र अ पर्सन फ्रॉम उड़ीसा अ पर्सन फ्रॉम केरला विल वेयर दैट सेम सारी इज डिफरेंट सिमिलरली लाइबिलिटी में आपने क्या क्या सुना है कैपिटल कैश बिल्डिंग रिजर्व फंड डिबेंचर्स क्रेडिटर डेटा

तो uh, हम लोग एनालिसिस अगर करना है ओके हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट एनालिसिस देखो पहले तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके इन कोविड टाइम्स देर आर मैनी पीपल हु शो सिम्टम्स ऑफ द कोविड वायरस ओके कोविड नाइन्टीन सो वट इज डन टेस्ट इज डन ओके सो इन द लैब फर्स्ट थिंग विच इज डन इज ऑर्गेनाइज किसका सैंपल कहाँ पे रखा है मिक्स थोड़ी कर सकते हैं यू शुड नो एग्जैक्टली किसका सैंपल अगर दूसरे किसी को नेगेटिव का पॉजिटिव खबर चला जाएगा पॉजिटिव का नेगेटिव खबर एंड देन ऑब्वियसली दे बी अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ओके सो फर्स्टली कौन से एरिया से आया कौन से घर से आया ऑर्गेनाइज कर लो देन उसको अलग अलग जो टेक्निक्स होते हैं जो इक्विपमेंट मशीन्स होते हैं उसमें एनालाइज कर लो सो यू कम टू नो वेदर द वायरस इज प्रेजेंट और एबसेंट सो पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ओके तो यहां पे हमको क्या ऑर्गेनाइज करना है ये जो लंबा लिस्ट है ना आपका एंड लाइब्रेटी का ये एक्चुअली आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम हॉरिजोंटल इंटू वर्टिकल so what you see behind me well not behind me right now mere behind me abhi horizontal hai ye wale side pe okay is the vertical balance sheet jisme particulars hai aur amount hai so it is a up down up down okay, पहले मुंबई में घर ऐसे बनते थे फिर फिर जगह खत्म हो गई अभी घर ऐसे बनते हैं वो हाँ तो समिंग लाइक दैट ओनली हम लोगों को वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने का है अच्छा तो नई नई चीजें लिखेगी नहीं नहीं, नहीं 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 साड़ी वो ही है पहनने का तरीका अलग ओके okay? पहले ऐसे ऐसे अभी ऐसे ऐसे हाँ होल्ड ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट में होता क्या है देखो आ, लंबी कहानी आज नहीं सुना रहा मैं आई एम ट्राइंग टू कीप इट सिंपल देर आर टू पार्ट्स टू अ बैलेंस शीट बोलोगे हां सर लाइबिलिटी एसेट नहीं 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 लाइबिलिटी एसेट नहीं बोलने का सोर्सेज ऑफ फंड पैसा कहां से आया एप्लीकेशन ऑफ फंड पैसा आपने कहां पे खर्चा किया है एसेट लाइबिलिटी बट बोलो मन ओके सी वॉट फॉर लाइबिलिटी एसेट दिज आर दीज आर कमर्शियल टर्मिनोलॉजी कॉमर्स रिलेटेड A commerce student may understand it. A science student, a vocational student, a foreign student, an art student may not understand. May not understand. But when you use the word sources of funds, it's a little bit more simpler English. Many non-commerce background students they may think sources matlab kaha kaha se paisa an application matlab kaha kaha pe किया गया इट्स अ लॉट मोस्ट सिंपलर टू एक्सप्लेन नाउ में इट्स अ फैमिली ट्री देखो कुछ लोगों के घर में वो फैमिली ट्री होता है ना कि ऊपर मम्मी डैडी का फोटो फिर नीचे ना बच्चों का उसके नीचे ग्रैंड चिल्ड्रन का फोटो तो उसी तरह ये वर्टिकल बैलेंस शीट इट्स है वो सोर्सेज है ओके देन सोर्सेज में सोर्सेज मीन पैसा कहां कहा से आया अभी कंपनी में पैसा या तो मालिक से आएगा दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स फंड्स शेयर होल्डर्स फंड्स या पैसा बाहर से आएगा बोरूड फंड एप्लीकेशन आप कहां कहा वेर डू यू स्पेंड दिस मनी सी ऐसा है कि अगर आपके मम्मी डैडी ने ओके योर मॉम एंड डैड

बट जब घर खरीदने को गए तो बिल्डर बोलता है कि नहीं ये तो सेवेंटी लाख का है सो वट डोर मोम एंड चलो पचास लाख तो हमारी जेब से आ जाएगा बाकी का बोरो करना पड़ेगा सो योर मोम एंड डेट आर दे फर्स्ट पुट मनी बदन बीस लाख कम हो गया ना वो बोरो करना पड़ेगा हाँ तो सोर्सेज में पहले ओनर्स का पैसा आता है फिर बोरो बाहर वाले का बैंक का पैसा ओके okay, या yeah. नाना नानी ना, का जीजा जाजा नॉ जा, जा का ओके ओके आंटी का अंकल का बाहर वालों से पैसा लिया जाता है एप्लीकेशन अच्छा फिक्स्ड एसेट में आ, क्या आएगा तो वो पैसा जो जमा किया उससे वो घर ले लेगी द घर द फ्लैट इज द फिक्स्ड एसेट हाँ फिर वो क्या बोलेंगे अरे अगर उनके पास अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया दे विल नॉट कीप इट इन द तिंजोरी विल से तिजोरी में रखने से द द मनी ग्रो ओके सो देविल इन्वेस्टेड इन इन शेयर्स डिबेंचर्स ओके इन्वेस्टमेंट करेगी क्योंकि फिर पैसा पैसे को खींचता है एंड पूरा पैसा नहीं डालेंगे घर के अंदर थोड़ा तो पैसा बचा के रखेगी क्यों अरे हर दिन खाना भी तो पकाने का है हर दिन के लिए आटा चावल दाल लेकर आना है ना उसको कहते हैं वर्किंग 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 सो समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंस इन अ कंपनी पहले सोर्सेस पैसे लिए जाते हैं फिर वो पैसा खर्चा करते हैं ऑल दीज आइटम्स दैट यू सी अबाउ मी दे आर आई द बहानाज ऑफ सोर्सेस और बहानाज ऑफ एप्लीकेशन विच आई विल शो यू इन समाइम ओके हाँ तो सोर्सेज में वॉट डू यू हैव टू रिमेंबर

वर्किंग कैपिटल मतलब अरे किचन का सामान खरीदना है आटा चावल दाल हर दिन खाना भी तो है हम लोगों को नॉर्मल हर दिन का खर्चा वर्किंग कैपिटल ओके इसमें इस फैमिली ट्री में सोर्सेस का जो टोटल होता है ए एन बी दैट इज कॉल्ड एज टोटल फंड्स रेस्ट एंड एप्लीकेशन का जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड एज टोटल फंड एम्प्लॉयड प्लीज नोट जैसे लाइबिलिटी का टोटल इज इक्वल टू एसेट का टोटल सिमिलरली सोर्सेज ऑफ फंड्स इज टोटल फंड अवेलेबल ओके एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इज टोटल फंड एम्प्लॉयड शुड बी वन एंड द सेम एक दो रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा नहीं सर माफ कर लो नो नो इट हैज टू बी द सेम क्यू बिकॉज सी दिस बैलेंस शीट विच इज अ अरिजोनटल यू आर कन्वर्टिंग इन टू अ वर्टिकल अप डाउन बट यू आर नॉट चेंजिंग नंबर्स दो मिनट रुक जाओ मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूं आपको वो समझ में आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है बट यू आर नॉट चेंजिंग नंबर्स ओके नाउ ओनर्स फंड्स में और क्या होता है डिटेल डिटेल माइक्रोस्कोप में देखा ना तो आपको क्या दिखा यार पहले तो शेयर कैपिटल मालिक का ओरिजिनल पैसा शेयर कैपिटल ओके विथ शेयर कैपिटल मे बी इक्विटी शेयर कैपिटल मे बी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी हो सकता है ओके रिजर्व एंड सरप्लस क्या है Uh, मालिक का पैसा जब बचाया जाता है ओके एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके ओके okay, उसको कहते हैं रिजर्व तो ये भी मालिक का ही पैसा है ये फिक्टिशियस एसेट क्या है, ये झूठा एसेट है इसमें सिर्फ हवा है झूठा सो मैनी टाइम्स इन अ बैलेंस शीट दे गिव यू अ झूठा बकवास एसेट इट इज कॉल्ड एज फिक्टिशियस मतलब झूठा नाम का ये

बोरोड फंड्स में देर आर नो सब पार्ट्स पार्ट सच ओके आई एक्सप्लेन लिटिल बिट लेटर वर्किंग कैपिटल में क्या आता है फर्स्टली अगर कोई आपको पूछे कि वर्किंग कैपिटल क्या है तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि देखो uh, मेरे घर पे मम्मी डैडी पाँच हजार रुपया रखते हैं क्यों उनको एक से लेके तीस तारीख तक घर चलाना है डेट इज वर्किंग कैपिटल उनको फीस देने हैं हाँ तो जैसे घर चलाना है वैसे कंपनी भी तो चलाना है हाँ तो पैसे तो लगेगे ना ओके okay? दस साल बाद की योजना आ दस साल का छोड़ो अभी का तो घर घर चलाओ हाँ तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल ओके वो जो पैसा जो जो करंट बेसिस पे काम आता है उसको ढूंढने के लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज अच्छा वट इज अ करंट एसेट वन ईयर का एसेट करंट लाइबिलिटी वन ईयर का लाइबिलिटी अच्छा वोट इज वन ईयर अरे बारह महीने से कम तुझे क्या लगता है डेटर्स बारह साल का है स्टॉक पांच साल का है नो बिल रिसीवेबल पंद्रह साल का नहीं रे दो महीना तीन महीना एक महीना दस दिन पंद्रह दिन लेस देन मंथ्स सो कैश जो आपको दिख रहा है बैंक डेटर बिल रिसीवेबल दीज ऑल करंट एसेट्स कार फर्नीचर मशीन लैंड ये फिक्स्ड एसेट है ये एकदम लंबे टाइम का है लंबा टाइम हाँ क्रेडिटर बिल पेबल मेरे पीछे ये करंट लायबिलिटी है सो आई रिपीट हाउ डू यू फाइंड वर्किंग कैपिटल करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट तब जाके आपको वर्किंग कैपिटल आता है ओके राइट नाउ मेरे ऊपर इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इलेट्रेशन वन फ्रॉम द टेक्सट बुक फ्रॉम द टेक्सट बुक इज गिवन इन दैट प्लीज नोट अ बैलेंस शीट इन हॉरिजोंटल फॉर्मेट लेफ्ट राइट दया बाया एंड सब बराबर है कैपिटल रिजर्व ट्वेल्व परसेंट लोन Current liability, nothing is करंट लाइबिलिटी asset, इज रॉन्ग फिक्सड एसेट इन्वेस्टमेंट करंट एसे क्यों अरे टैली हो चुका है क्या गड़बड़ hai इसमें कोई गड़बड़ नहीं है But इस बैलेंस शीट को यू कैन नॉट यूज फॉर एनालिसिस जो बाद में एनालाइज करना है तो पहले क्या करना पहले इसका रूप परिवर्तन करना पड़ेगा ओके okay? तो मेकओवर कहते हैं ना मेकओवर अच्छा कैसे मेक ओवर करेंगे बेल क्वेश्चन पढ़ ले फ्रॉम दी अबाव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस सो वॉट एव आई डन प्ले पॉज मतलब आप पॉज कर सकते हो लेक्चर को एंड दिस बैलेंस शीट दैट यू सी ऑन द स्क्रीन इसको आप बना के रख लो एंड देन आफ्टर यू प्रिपेयर दिस यू जॉइन मी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सोल्यूशन ऑब्वियसली आई एम नॉट वेटिंग आप मेरे को पॉज कर लो तो हो सकता है मैं कुछ इस तरह दिखो चलेगा स्टीम सर की जान ही रहे बट यू प्रिपेर दिस पर्टिक्यूलर वर्टिकल बैलेंस शीट क्या लिखना है सोर्स ऑफ फंड्स. ए बी ओनर्स फंड्स, फंडल फंड्स. अवेलेबल विच इज ए प्लस बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फिक्सड एसेट इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज एंड एट द लास्ट टोटल फंड एम्प्लॉयड टोटल फंड अवेलेबल एंड टोटल फंड एम्प्लॉयड शुड मैच सेम सेम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए लेट मी गेट स्टार्टेड विद्यूशन हा कैपिटल वेयर डू आई ट्रांसफर कैपिटल शेयर कैपिटल में जाएगा ओके, सो आई होप यू कैन सी दैट एरो व्हिच इज यू द डायरेक्शन के पचास हजार अमाउंट में आएगा ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व कहां पर जाएगा रिजर्व भी मालिक का पैसा है तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो फिफ्टीन थाउजेंड लोन कहां पर जाएगा ये देखो ना बोरोड फंड लोन तो आप बाहर वाले से लेते हो ना आप बोरो करते हो तो देखो ओके, आई एम शोइंग यू द डायरेक्शन 12% लोन 30,000, थाउजेंड करंट लाइबिलिटी किधर जाएगा ये देखो ना इधर है ना वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल मतलब एक साल में अगर कंपनी को आराम से चलाना है हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर दैट इज कॉल्ड इज फंड्स रिक्वायर्ड टू रन योर कंपनी फॉर वन ईयर नॉ दस साल में भगवान जाने क्या होगा एक साल का बता करंट करंट अभी का बता हाँ उसका मतलब है वर्किंग कैपिटल सो उसमें करंट लाइबिलिटी आप लिखोगे थर्टी थाउजेंड वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू पुट इन योर माइंड दैट फॉर एनालिसिस इन फ्यूचर द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज टू नो द स्टेटमेंट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट इट्स द सेम ओल्ड स्टेटमेंट जो आपने आपनेटल किया है बट अभी हम लोग उसको अप एंड डाउन कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट किधर जाएगा देखो ना एप्लीकेशन में है फिक्स्ड एसेट सिक्सेंड इन्वेस्टमेंट वो भी एप्लीकेशन है एंड करंट एसेट आई एम क्वाइट फास्ट बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू पॉज्ड मी एंड यू हैव केप द फॉर्मेट रेडी फिफ्टी फाइव थाउजेंड अब क्या करना है पोस्टिंग uh, तो हो गया इधर से उधर अभी उसको टोटल कर लेते हैं एंड थोड़ा प्रार्थना करते कि सेम आना चाहिए ओके okay? तो ए ये क्या है ये ओनर्स फंड कैसे आता है अरे ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी स्मॉल लेटर ए प्लस बी माइनस सी अच्छा तो फिफ्टी एंड इज फाइव थाउजेंड सो ओनर्स फंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड बी तो so, वो तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड है अभी देखो अंडरस्टैंड कर ले टोटल फंड अवेलेबल शुड बी इक्वल टू टोटल फंड एम्प्लॉयड चलो देखते हैं फिक्सड एसिट सिक्सटी थाउजेंड क्या है दैट इज ए टेन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट दैट इज बी

70 plus 25 is 95,000. Are we correct? Yes, my dear, you are correct because your total fund available and your total fund employed is one and the same. So, I repeat, what have I introduced today to you? Definitely a new chapter, but in that, the concept of financial statements, in which one of the financial statements is a balance sheet. In the future, I will also be teaching you. How do you prepare the revenue statement? What is a revenue statement? Trading, profit, and loss account. But that also will be in vertical format. You have understood in the classical horizontal format, but I will shift your knowledge to the vertical format. Okay. This chapter may be for this particular year, may not be very important, possible, but I can guarantee you. Okay, agar yeah chapter Whether you attempt it or not, your choice but if you for many years in future if you are someone who does who enters the field of accountancy who enters the field of finance definitely very very useful okay uh, that is it for me for today let me change my screen behind oh sorry for that and move to this side ah now i got the correct setup so once again, a very quick reminder if you are from a new batch and if you intend to purchase the textbook, the description for the purchase link is always provided in the link below. It is my uh, sincere request that if you will like, okay, if you understood, please like the lecture and share it with your friends so that the information of these lectures can accordingly spread to more and more people, okay. Uh, that is it uh, for today may uh, I remind you once again about the telegram channel which is given above so that you can join to the telegram channel and the PDF of all the question and the solutions will be available on that particular channel. till the time we meet next time, take uh, care of yourself, take care of your near and dear ones, take care of your wonderful family. they are always. A blessing to you. I hope to see you very, very soon. Good day. God bless. Bye for now.